गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बुक ऑफ मैजिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जादू रमलपुर राजीव आज एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। अब मैं इस जादू का रहस्य क्या है वो आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब इस जादू का रहस्य की ओर चलते हैं दोस्तों। ये जो ग्लास आपको दिखाई दे रहा है ये एक सिंगल ग्लास नहीं है, इसे डबल ग्लास है। आउटर वाला ग्लास जो है उसके अंदर बिल्कुल बराबर में जा करके ये इनर ग्लास का कॉलर बैठ जाता है और एयर टाइट बन जाता है। और ये जो अंदर वाला ग्लास है इसके बिल्कुल नीचे यहां पर एक सुराख बनाया हुआ है। इसी तरह बाहर वाला जो ग्लास है उसका गर्दन के पास यहां पर एक सुराख बनाया हुआ है। अभी इस ग्लास को इसके अंदर डाल दिया और ये कॉलर के अंदर इसको अच्छी तरह से बैठा दें। अब उसके बाद इसके अंदर दूध डाल दीजिए इस तरह। अभी हम अंदर वाला ग्लास के अंदर दूध जब डालता है तो उसके नीचे एक सुराख दिखाया, उस सुराख के अंदर से ये दोनों ग्लास के बीच में जो जगह है उसके अंदर दूध आकर के भर जाएगा, क्योंकि ये जो सुराख है गर्दन के पास ये खुला है अभी, इसलिए हवा यहां से निकल जाएगा। जो इसके अंदर दूध डाला है वो इसका दोनों ग्लास के बीच में जो जगह है उसके अंदर आकर बैठ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो सुराख है इसको इसे बंद करके अंदर वाला ग्लास का दूध जो है निकाल दें। अभी ये ग्लास में दूध भरा हुआ नजर आ रहा है आपको, लेकिन इस ग्लास के अंदर दूध नहीं है, ये जो इनर वाला ग्लास है वो खाली है। ये दोनों ग्लास है उसका बीच वाला जो जगह है वहां पर दूध भरा हुआ है। जब तक हम ये सुराख को बंद रखेंगे तब तक ये दूध काला वाला ऐसे ही रहेगा, क्योंकि नीचे वाला सुराख से दूध को इस अंदर वाला ग्लास में आने के लिए एयर की जरूरत है। अभी वैक्यूम क्रिएट हुआ है इसमें, इसलिए वो अंदर वाला ग्लास में नहीं आएगा। अभी ऑडियंस से कोई बच्चे को बुलाइए और एक स्ट्रॉ उसका मुंह में डाल दे दीजिए और कहिए इसको खींचो, बच्चा उस स्ट्रॉ को खींचेगा दूर से। तब आप क्या करो, यहाँ का जो सुराख है उसको धीरे से उंगली हटा दो वहां से, तो इसके अंदर दूध के लेवल जो है कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे
बच्चा अगर खींचता रहेगा यहां पर दूध का लेवल कम होता रहेगा। बस।